गाइज, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है, या फिर ऐसे ही जियो और जिने दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा, और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया, और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए? फिकर नॉट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है, जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं, जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे, और ये फाइबर के बने हैं इसलिए सुरक्षित भी होंगे। गाइस, आपको फाइबर के सिलेंडर के बारे में जानकर कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।